नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज और मैं हूं नेहा आपके साथ। सांबा की सिवनी, जिसकी दहाड़ से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बड़े बड़े नेताओं की रातों की नींद उड़ा दी। आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता रीना चौधरी से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत किया है। किस उस टाइम किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा था? ये वो समय था जब एक गंदी राजनीति का मैं शिकार हुई थी। कुछ पॉलिटिकल लोग थे जिनको ओहदे दिए गए हैं, उन्होंने उन ओहदों का गलत इस्तेमाल किया। एक पॉलिटिकल साजिश मेरे खिलाफ रची गई, उसी साजिश का शिकार मैं हुई। चाहे अनचाहे मुझे शिकार होना पड़ा, क्योंकि कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की भी गलतियाँ थी और कुछ ऐसे लोग हैं आज भी इस समाज में, इस सांबा में स्पेशली कुछ पॉलिटिकल लोग, जिनको मैं शुरू से ही, जब से मैं यहाँ पे एक्टिवली काम कर रही हूँ, मैं खटकती थी तो वो हर बार पिछले 3-3.5 साल से ये कोशिश करते थे कि इस औरत को कैसे नीचा दिखाया जाए, इसको कैसे हरास किया जाए, इसको कैसे तंग करके यहाँ से भगाया जाए। तो उन सब चुनौतियों का मैं सामना करती रही और इनका डट के मुकाबला किया। और आज की डेट में भी मैं आई एम स्टिल फाइटिंग इन कोर्ट बिकॉज जो भी एलिगेशन, क्योंकि वो प्रूव नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी मेरी एब्सेंस में एक मीटिंग बुला कर एक आदेश जारी कर दिया जाता है, क्योंकि रूलिंग पार्टी है वो कुछ भी कर सकती है। अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हाल है, क्योंकि कानून भी उनके हाथ में है, एडमिनिस्ट्रेशन भी उनके हाथ में है, सब कुछ उनके हाथ में है, तो वो कुछ भी फरमान निकाल सकते हैं। तो इसको मैंने चैलेंज किया हुआ कोर्ट में, तो मेरा जल्द ही उसका फैसला भी आएगा। तो मैं अगर बात करूँ कि उस समय मेरे पर क्या बीती, हाँ, इमोशनली मुझे बहुत हर्ट हुआ। शुरू के कुछ दिन बहुत मुश्किल भरे रहे, बिकॉज बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, मेरे भी कुछ सेंटीमेंट्स में हैं, मेरी भी कुछ फीलिंग्स हैं, मैं भी इमोशनल हर्ट हो सकती हूँ। तो मुझे हर्ट हुआ, बट मेरी फैमिली ने, मेरे सपोर्टर्स ने मेरी काफ़ी हिम्मत बंधाई, मुझे मोरली सपोर्ट किया, मुझे बूस्ट किया कि नहीं, हिम्मत हारना की ज़रूरत नहीं है, डट के लड़ने की ज़रूरत है।